आई हैड टू स्टॉप ईटिंग फूड, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से मैं ज्यादातर 7 में से 6 दिन में शर्टलेस घुमाऊ सेट पर, तो अब उस वजह से मुझे बहुत डाइटिंग करनी पड़ रही है, बहुत कंट्रोल करना पड़ रहा था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सीन्स आर शर्टलेस, सो आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट द ऑडियंस कि यार इसको शर्टलेस रखा है तो कम से कम ठीक ठाक बॉडी तो बना ले। Well, even though शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, बट हम आपको आपका रेगुलर डोज ऑफ आपके फेवरेट फैंस नहीं दिला पा रहे, लेकिन फिर भी आज हमारे साथ एक ऐसे कलाकार जुड़ने वाले हैं जो कि आप लोगों के फेवरेट किरदारों के बारे में करेंगे कुछ खास खुलासे। हम बात कर रहे हैं आपके फेवरेट वंश एंड रिधिमा की इस जोड़ी के बारे में, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं अंकित तिवारी यानी कि व्योम, जो कि करेंगे स्पिल अबाउट दीज टू कैरेक्टर्स एंड विल आल्सो शेयर कि सेट पे एक्चुअल में चलता क्या है। तो आइए चलिए आज के सेगमेंट हूज मोस्ट लाइकली टू में बुलाते हैं अंकित तिवारी को मेरे यानी विशाखा के साथ और जानते हैं किसके कितने राजों का होगा खुलासा आज के इस फन सेगमेंट में। अंकित, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है वंस अगेन टेली चक्कर एंड कांग्रेचुलेशंस, आप वापस आ गए हैं व्योम के किरदार में। इन दैट केस आई विल आस्क यू 5 questions अबाउट योर कोस्टार्स, लेट्स सी कि किसके राज खुलते हैं। तो यू हैव टू कीप योरसेल्फ आल्सो इन माइंड, टेल मी कि आप तीनों में से हेली, आप और राहुल में से वो चीज कौन कर सकता है या किसने यू नो की होगी टाइप, आप तीनों में से कौन है वो शख्स जिसने हु इज मोस्ट लाइकली टू एक्चुअली मिस अ लाइन एंड नॉट एक्सेप्ट कि वो लाइन भूल चुके हैं, यू नो हु इज गोना इम्प्रोवाइज क्विकली। नहीं, और मेरे साथ ही हुआ है okay. क्योंकि ये जो कैरेक्टर है ये फ्रेंच वर्ड्स बहुत यूज करता है बीच-बीच में, इसको दिखाया हुआ है, सो देयर आर अ फ्यू वर्ड्स व्हिच आई डोंट वांट टू स्पीक, मुझे निकलते नहीं वो मुझसे, क्या है मतलब मैया मोरी है क्या लिखा हुआ है ये मोन अमी तो मैया मोरी है क्या मोन अमी है मैया मोरी, वी जस्ट जोक अराउंड ऑल दैट, सो दे आर डिलीटिंग वर्ड्स नाउ कि भाई ये बोलेगा ही, राहुल I think he'll do it someday for sure. Abhi tak aisa hua nahi hai, I haven't faced the situation. But knowing him, the more we spend time with each other while shooting, I think ye hone wala hai bahut jaldi. Who out of the three of you is extremely active on social media and if said to you know deactivate the account for a day, he cannot do it? Heli. I think Heli is. Maine abhi recently 3 hafte ke liye apna Insta band kiya tha. Aur Rahul ka bhi itna mujhe lagta hai, he's not hyper active on Instagram or on Twitter or anywhere. So I think Heli would be the one. Okay. Who out of the three of you is extremely excessively charged on energy when they come on the set? Like the whole day from the start to the end? Except me, both of them. मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूँ कि यार वो दोनों ही बहुत energetic हैं, बहुत ही अच्छे actors हैं. So जितनी बार भी हम मिले, मैं उनसे मिला हूँ दोनों से, चाहे scene में चाहे बाहर, they're always on a high. Show को लेकर, काम को लेकर, they're very positive people, both of them. Who out of the three of you can actually laugh in the middle of a shot? You know, and cannot control the laughter post that. I think me and Rahul, both of us will do it very soon. हमने कुछ कुछ सीन जैसे हमारे हो गए हैं कि वो सिचुएशन रिपीट होने वाली है और हम हंसने वाले हैं. आज भी कुछ कुछ कंट्रोल किया है. But I think सीन के दौरान एक बार एक्शन हो जाता है, we tend to forget whatever happens. जब सीन है तो सीन है. तीनों ही इस तरह के हैं. तो मुझे लगता नहीं है वो होगा. But अगर हुआ कभी, तो it will be between me and Rahul. उन दोनों के सीन्स का मुझे नहीं पता वो दोनों how they're performing while they are together. उनका मैं नहीं कह सकता, but for me, I think Heli के सामने मैं नहीं हंस पाऊंगा when she is performing. Serious रहूंगा, पर Rahul के साथ हो सकता है. Out of the three of you, who is that one person who is a utter perfectionist? जिनको वो shot बिल्कुल perfect चाहिए, you know? He's a critic of his own work. Never satisfied. I don't know, but I think Heli is very particular about many things on set. The while shooting, even while not shooting, before the shot, after the shot. She knows what's happening all around. Rahul is chill. He's involved all the time. He knows what's happening, what he should do, what changes should be made. He's involved in the scene. But I think he leaves it to happen. He dekhta hai kaisa hota. Heli is very particular. For Vyom, have you did you have to learn something extraordinary? Did you have to do something extra for this character, Ankit? Yes. I had to stop eating food. क्योंकि पिछले एक हफ्ते से मैं ज्यादातर 7 में से 6 दिन में शर्टलेस घुमाऊ सेट पर,
तो अब उस वजह से मुझे बहुत डाइटिंग करनी पड़ रही है, बहुत कंट्रोल करना पड़ रहा है बिकॉज मोस्ट ऑफ द सीन्स आर शर्टलेस, सो आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट द ऑडियंस कि यार इसको शर्टलेस रखा है तो कम से कम ठीक ठाक बॉडी तो बना ले, इसको भी नंगा हुआ आई डोंट वांट दैट सिचुएशन टू अकर, सो आई हैव यू नो रिस्ट्रेन माई सेल्फ फ्रॉम ईटिंग अलॉट, वो एक है। सेकेंडली लार्जर दैन लाइफ कैरेक्टर जिसको बोलते हैं लेमन लैंग्वेज में, एक ऐसा कैरेक्टर है जो जिसको जो चार्मिंग होगा, इसको देख के अच्छा लगे, ये अगर कुछ गंदा काम भी कर रहा है लेकिन उसको देख के अच्छा लगे, so to work on that is very new for me, so that is one thing which I'm talking about. Do you get guilty dreams like you know khane ke sapne aate hain because you're dieting so hard? I almost cried yesterday kal kyunki pura din maine kuch nahi khaya kyunki har ek do ghante mein shot hai, ab protein bar kha liya, thode se peanuts kha liye, pani pi liya, black coffee pi li, तो पूरा दिन जब तक शूट चलता है तब तक यू डोंट फील द हंगर, ठीक है अभी काम पे फोकस है, बट बैकअप होते ही मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो ऐसा होता ना कि ये स्टमक श्रिंक्स इनसाइड कि फक को बहुत तेज भूख लगी है मुझे, तो कल खाना खाने से पहले रात को माय हैंड्स वर लिटरली जस्ट शिवरिंग यार मुझे खाना है, आई वांट टू ईट, आई हैड टू स्टेयर आईज खाते खाते, आई वांट टू फिनिश दिस नाउ, अब कल सुबह शूट है और कल शर्ट में सीन है, क्योंकि आप कभी भी बॉडी शॉट आपका होता है, फोटोशूट हो या फिल्म हो या कुछ भी हो या टीवी भी हो, इट हैपेंस फॉर अ डे, तो उस एक दिन के लिए आप तैयारी कर सकते हो, चार पांच घंटे पहले खाना छोड़ सकते हो, बट यहाँ पे थोड़ा शॉकिंग ये है कि मुझे रोज वही चीज करनी पड़ती है, उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बट इट्स लुकिंग, जब तक वो स्क्रीन पे अच्छा दिख रहा है आई एम कंफर्टेबल विद इट। I'm pretty sure आपकी मेहनत स्क्रीन पे फैंस को बहुत अच्छी लग रही होगी। Well, thank you so much, Ankit. It's a pleasure having you once again. I wish you all the luck for Vyom Ka Gitar and also upcoming 2021 के project. Thank you so much. Well, thank you so much, guys, for watching this fun chat session with me, Vishakha Pandey, जहां आज के हमारे segment के मेहमान थे अंकित सिवाज, जिन्होंने किया खुलासा राहुल सुधीर एंड हेली शाह के सेट सीक्रेट्स का। Well, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और नीचे वाले कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा कि आप क्या सोचते हैं इस सेगमेंट के बारे में, आल्सो हाउ मच डिड यू लाइक दिस सेगमेंट, अंटिल देन हमारे साथ जुड़े रहिए एंड विद मी शाखा पांडे साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। Know all about the Tele world by subscribing to Tele Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.